अब है आपका नेक्स्ट वर्क इंग्लिश। इंग्लिश में हमने कल क्या स्टार्ट किया था? न्यू अल्फाबेट, कैपिटल लेटर जे एंड स्मॉल लेटर ज। मैंने साथ में हिंदी में भी व्यंजन लिखा हुआ है ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बच्चे आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे कर्सिव बुक में पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21 में जो आपका ई से इग्लू, आपका जो अल्फाबेट के ये डॉट्स रहते हैं अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप क्या करेंगे पहले आप ज का नोटबुक में वर्क करने से पहले, आपने ये ज जो है वो आपने बुक में तो कर लिया है, जो ई आपकी ये डॉट्स वाले रहते हैं अभी ये आप पहले इसको कंप्लीट करेंगे। जब आपका इस पे हाथ अच्छे से चल जाएगा तो आप क्या करेंगे उसके बाद ही आप करेंगे नोटबुक में वर्क। पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 और जो पेज नंबर 24 और 25 है वो करेंगे हम बाद में। आपने बुक में ट्रेसिंग वर्क तो कर लिया, डॉट वाला वर्क हम बाद में करेंगे। तो बच्चे नोटबुक में वर्क स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं बोर्ड पर, और आज मैं आपके लिए क्या एक्टिविटी ड्रॉ करके लेके आई हूँ, ज ज ज जूस, जो मेरे बच्चों का फेवरेट होता है। तो बच्चे ज हम कैसे लिखेंगे, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि हम कर्सिव बुक में पहले हम करेंगे इ से इग्वाना लीव्स इन अ इग्लू, इसको शोल्डर अप करना है। ओके तो बच्चे आप डॉट वाला जो आपका डॉट्स का वर्क रहता है कर्सिव बुक में पहले आप वो करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ज इसको भी आप लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो बच्चे आप क्या करेंगे पहले आप करेंगे ई का वर्क। ओके उसके बाद जब आप ई का वर्क करेंगे तो आपके लिए लिखना हो जाएगा इजी ज, क्योंकि ये सेम फॉर्मेशन है बच्चे ऐसे, बस आपको वन आपको लेके जाना है, ग ग ग गर्ल की आपको इधर राउंड देना है। तो बच्चे ऐसे ही आपको वर्क करना है आप नोटबुक में। नोटबुक में आप करेंगे लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे एंड राइट साइड में आप अपना वर्क करेंगे ऐसे ज ज ज जू। तो बच्चों ऐसे ही ये आपको नोटबुक में वर्क करना है। तो ओके बच्चों बाय बाय।